नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक्निकल यादव में। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं एक जीरो अकाउंट बैलेंस ओपन करने के लिए घर बैठे अपने मोबाइल फोन से, तो कैसे अकाउंट ओपन करेंगे जीरो बैलेंस, वो भी FI सेविंग बैंक में। तो FI सेविंग बैंक नया लॉन्च किया है, इसमें आप जीरो अकाउंट बैलेंस ओपन कर सकते हैं। इसका कोई भी चार्ज नहीं है, हिडन चार्ज नहीं है। सबसे चार्ज इसमें दिखाऊंगा कौन कौन सा चार्ज लगने वाला है। तो सभी बैंकों से सबसे कम चार्ज इसमें लगने वाला है, ना ही मेंटेनेंस चार्ज लेता है, ना ही हिडन चार्ज लेता है इस बैंक ने। आपको साथ में एक इंटरनेशनल डेबिट कार्ड भी मिलेगा। आप ये डेबिट कार्ड को इंटरनेशनल यूज कर सकते हैं, इंडिया में तो यूज कर लेंगे, बाहर में भी यूज कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ क्या मिलने वाला है, क्या क्या इसका फैसिलिटी है, पूरा कंप्लीट प्रोसेस दिखाऊंगा इस वीडियो में। चले दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चले दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, फाइव सेविंग अकाउंट ओपन करने का सबसे पहले मैं आपको चार्जेस बताता हूँ, क्या क्या इसमें चार्ज लगने वाला है। देख सकते हैं दोस्तों, थिंग्स डेट मीटर, यहाँ से अगर आप इंडियन सिटीजन हैं तो आप आसानी से ओपन कर सकते हैं, इसमें कोई चार्ज लगने वाला नहीं है। नो मिनिमम बैलेंस फी है, आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस इसमें नहीं लगेगा, देख सकते हैं इसमें। और आप इसमें 20,000 रुपया डिपॉजिट कर सकते हैं हर महीने। आप जो भी इंटरेस्ट रखते हैं इस अकाउंट में, 2.5% का इसमें आपको इंटरेस्ट मिलेगा, जो भी आप पैसा इसमें रखते हैं सेव करके। उसके बाद नीचे आकर देख सकते हैं, और इसमें आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ से अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज, जीरो फी, नथिंग, इसमें कोई भी आपको मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगेगा अकाउंट में। इसके बाद यह दिखा रहा है वीज़ा प्लेटिनम डेबिट कार्ड आपको मिलेगा इसमें, इसका भी कोई चार्ज नहीं है। नो इंश्योरेंस फी, इसमें कोई चार्ज नहीं लगने वाला है, ना ही इसमें कोई मेंटेनेंस चार्ज है, कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगेगा। उसके बाद देख सकते हैं नीचे आपको ATM ट्रांजेक्शन दिखा रहा है आपको। अगर आप फेडरल बैंक से ट्रांजेक्शन करते हैं तो आप कितना भी बार ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अगर फेडरल बैंक के अलावा दूसरे बैंक में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं तो केवल महीने में 5 बार ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अगर 5 बार ज़्यादा ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको 20 रुपये हर ट्रांजेक्शन पर देना पड़ेगा। नीचे आकर देख सकते हैं इंटरनेशनल ATM चार्जेज, यहाँ देख सकते हैं आपको, ये इंटरनेशनल भी यूज कर सकते हैं इस ATM को। इसमें देख सकते हैं आपको फर्स्ट डेबिट कार्ड रिप्लेसमेंट, आपको पहला डेबिट कार्ड आपके घर पर आ जाएगा, इसमें भी कोई चार्ज नहीं लगने वाला है। उसके बाद मल्टीपल कार्ड रिप्लेसमेंट, आपको दोबारा अगर कार्ड रिप्लेसमेंट करते हैं तो 250 रुपये इसका चार्ज लगेगा। यहाँ देख सकते हैं पेमेंट NEFT RTGS ऑनलाइन, ये भी सब भी फ्री है, इस पर भी कोई चार्ज नहीं लगने वाला। SMS, ईमेल, अपडेट, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, आपको जो भी करेंगे इसका भी कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा आपको। डिजिटल डेबिट कार्ड, इसका भी कोई चार्ज नहीं है, ये भी आपको फ्री है। वर्चुअल डेबिट कार्ड बिल्कुल फ्री है। पेमेंट UPI MPS, जीरो ट्रांजेक्शन चार्जेस, इसमें भी कोई आपको चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। डिजिटल अकाउंट स्टेटमेंट, आप इसका डिजिटल अकाउंट स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, इसका भी कोई चार्ज नहीं लगेगा। चलिए दोस्तों, इसको बताता हूँ मैं अकाउंट कैसे ओपन करना है। अकाउंट ओपन करने के लिए यहाँ सब कुछ चार्ज देख सकते हैं, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, डायरेक्ट आप इसमें डायरेक्ट चेक कर सकते हैं कौन कौन सा चार्ज लगने वाला है। पहले प्ले स्टोर ओपन करेंगे, प्ले स्टोर ओपन करके इसमें डाउनलोड करेंगे FI मनी, इसको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, डायरेक्ट आप इस पेज पर आकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा FI का। उसके बाद से यहाँ से नीचे करेंगे, साइनअप पर क्लिक करेंगे। साइनअप पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आपको एक मोबाइल नंबर यहाँ मांग रहा है, आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ फिलअप कर देंगे। उसके बाद से यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद से अलाउ कर देंगे। आप जो भी मोबाइल नंबर फिलअप किए हैं उस पर एक OTP आएगा, OTP को यहाँ फिलअप कर लेंगे। SMS ऑटोमेटिक ले लेगा यहाँ से। उसके बाद से यहाँ से ओके गॉट इट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद से यहाँ अपना एक ईमेल आईडी फिलअप करेंगे, ईमेल आईडी जो भी आपका ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। ईमेल आईडी फिलअप करने के बाद यहाँ से अपना नाम डालेंगे। उसके बाद से यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद से कंटिन्यू विदाउट FI नीट कोड पे क्लिक करेंगे यहाँ से नीचे पे। उसके बाद यहाँ फिर से आएंगे नीचे, नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद से यहाँ से वेरीफाई क्रेडिट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद से ऑटोमेटिक आपका पैन कार्ड पैन नंबर ले लेगा यहाँ पे, उसका डेट ऑफ बर्थ यहाँ ले लेगा। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से इंटर फादर नेम, यहाँ से मदर नेम डालेंगे। उसके बाद यहाँ नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे।
सबसे ऊपर अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ टाइप करेंगे या वर्चुअल आईडी कार्ड जो भी आपके पास है वो यहाँ पे टाइप कर लेंगे। तो यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डाल लेंगे। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद से आपके आधार कार्ड नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, जो भी आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पे एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी को यहाँ फिलअप कर लेंगे। उसके बाद से यहाँ से ओके पे क्लिक करेंगे। देख सकते हैं इस तरह से। उसके बाद यहाँ से फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से 4 डिजिट का पिन पूछ रहा है बनाने के लिए, यहाँ से अलाउ करेंगे, यहाँ से फिर से अलाउ करेंगे। उसका देख सकते हैं इस तरह से आपको कैमरा ओपन हो जाएगा। कैमरा में आपको देख करके आपको जो भी नीचे लेटर दिया गया है वो लेटर को बोलना है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप जैसे कैमरा का पॉप खुल के आया था उसमें आपको ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद उसमें आपको 4 डिजिट का आपको नंबर मिलेगा, उसको नंबर कैमरे में देखकर बोलना है, कैमरा नंबर रिकॉर्ड करना है। नंबर रिकॉर्ड करने के बाद आपका KYC हो जाएगा, देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आ रहा है ऑप्शन शिपिंग योर FI डेबिट कार्ड। आपको डेबिट कार्ड कहाँ शिप करना है, तो सबसे पहले यहाँ से आपको डेबिट कार्ड पर नाम क्या चाहिए, यहाँ नाम शिप कर लेंगे। उसके बाद से अगर आपको दूसरी जगह पर मंगाना है तो यहाँ से चेंज कर लेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे, ऐड ए न्यू एड्रेस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से एड्रेस फिलअप कर लेंगे। देख सकते हैं दोस्तों इस तरह से एड्रेस फिलअप करें। दूसरी जगह पर एड्रेस मंगाना है तो अगर आपके आधार कार्ड पर जो एड्रेस है उसी एड्रेस पर मंगाना चाहते हैं डेबिट कार्ड तो पहले वाला ही जाने देंगे, अगर चेंज कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद यहाँ से सेव पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं एड्रेस आ गया, एक बार दिखा रहा है, यहाँ से क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से देख सकते हैं स्वेप टू ओपन अकाउंट, यहाँ से करेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे, स्वेप कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद से जो भी अलाउ मांग रहा है यहाँ से अलाउ कर लेंगे परमिशन, यहाँ से फिर से अलाउ कर लेंगे। उसके बाद से जो भी आपका सिम जिस भी नंबर लगाया है सिम 1 या सिम 2 जो भी है वहाँ से सेंड SMS करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेगा, रजिस्टरिंग योर फोन, आपके नंबर से एक मैसेज जाएगा। कितने इधर से आपका अकाउंट ओपन हो गया समटाइम्स, यानी कुछ देर के बाद योर अकाउंट ओपनिंग इज टॉकिंग समटाइम, कुछ देर के बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, यहाँ दिखा रहा है आपको 5 से 15 मिनट के अंदर में चेक योर सम FI फीचर्स, यहाँ से आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं इस तरह से आपका अकाउंट ओपन हो गया, दिखा रहे हैं यहाँ योर FI अकाउंट इज रेडी, यहाँ से दिखा रहा है आपको अकाउंट ओपन हो गया, देख सकते हैं इस तरह से। उसके बाद से अपना FI एप्लीकेशन ओपन करेंगे। FI एप्लीकेशन ओपन करेंगे, सबसे ऊपर दिखा रहा है आपको अकाउंट नंबर, यहाँ से अकाउंट नंबर आप देख सकते हैं। उसके बाद से आपका यहाँ डेबिट कार्ड दिखा रहा है, यहाँ से देख सकते हैं डेबिट कार्ड। उसके बाद से यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे डेबिट कार्ड पिन बनाने के लिए। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपका 4 डिजिट का यहाँ से पिन पूछ रहा है, तो 4 डिजिट का आप इसमें पिन फिलअप कर लेंगे। उसके बाद फिर से यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। फिर से आपको दोबारा यहाँ से पिन पूछा जाए, दोबारा यहाँ पिन फिलअप कर लेंगे, जो पिन पहले डाले थे वही 4 अंक का पिन फिर से डाल लेंगे। उसके बाद से फिर से ओके करेंगे। देख सकते हैं दोस्तों इस तरह से आपका अकाउंट ओपन हो गया पूरा सक्सेसफुली। ऊपर से यहाँ से अपना इसमें अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यहाँ से पे पर क्लिक करके अमाउंट कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चलिए इसको मैं बैक कर लेता हूँ। यहाँ से आपका शो कर रहा है, देख सकते हैं बैलेंस को करंट बैलेंस 0 दिखा रहा है। यहाँ से आप इसमें ऐड कर सकते हैं मनी, ऐड फंड FI अकाउंट, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपना इसमें ऐड कर सकते हैं मनी, फोन पे से गूगल पे से जहाँ से भी चाहते हैं वहाँ से ऐड कर सकते हैं मनी इसमें। अगर आपको FD बनाना है इसमें, FD कैसे क्रिएट करना है तो यहाँ से दिखा रहा है फिक्स डिपॉजिट, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करके आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से इधर है क्रिएट न्यू FD, यहाँ से क्लिक करेंगे और नया FD इसमें क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं सबसे ऊपर दिखा रहा है यहाँ कार्ड का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे कार्ड पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ से कार्ड शो कर रहा है। यहाँ से कार्ड डिटेल यहाँ से देख सकते हैं, कार्ड डिटेल्स यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद से यहाँ से ऑनलाइन आपका यूज करने के लिए यहाँ से रेडी हो गया। ऊपर से कार्ड सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से कार्ड सेटिंग कर सकते हैं, जैसे रीसेट पिन, रिक्वेस्ट न्यू कार्ड यहाँ से कर सकते हैं, लिमिट सेट कर सकते हैं। इस तरह से अपना कार्ड का डिटेल देख सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ से कार्ड डिटेल पर क्लिक करेंगे तो अपना एक UPI के लिए यहाँ से बना सकते हैं पिन, तो सेट योर सिक्योर पिन UPI पिन, यहाँ से क्रिएट पिन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद से आपके नंबर पर एक OTP आएगा, उधर सेव कर सकते हैं, इंटर ATM पिन यहाँ से डालेंगे, जो भी आप ATM पिन बनाए थे वो ATM पिन यहाँ पर डाल लेंगे। उसके बाद से नेक्स्ट करेंगे, फिर से दोबारा वही ATM पिन डालेंगे। उसके बाद से फिर से नेक्स्ट करेंगे,
ऊपर से कंफर्म यूपीआई पिन मांग रहे हैं, तो जो भी आप यूपीआई पिन रखना चाहते हैं यूपीआई पिन डाल के यहाँ से कंफर्म कर लेंगे। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ से आपका यूपीआई पिन सेट हो गया। यहाँ दोस्तों अगर किसी को भी आपको पेमेंट करना है तो किस तरह से पेमेंट कर सकते हैं, यहाँ से ऑप्शन दे रहा है पे का, तो पे वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से स्कैन करके पे कर सकते हैं, या बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं बैंक अकाउंट नंबर डाल के, या फोन नंबर डाल के ट्रांसफर कर सकते हैं, या यूपीआई आईडी डाल के यहाँ से ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से देख सकते हैं अपना ट्रांसफर कर सकते हैं अगर आप। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले कोई वीडियो आसानी से मिल जाए। चलिए दोस्तों फिर देखना है, जय हिंद जय भारत।